अब जब इतना सारा आंदोलन हो रहा है और सबकी मांग है ये कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अगर कोई नाम दिया जाना चाहिए तो, और नाम फलक अगर कोई नजर आना चाहिए तो सिर्फ एक ही नाम होना चाहिए और वो दीवा पाटिल साहब, आपको कितनी उम्मीद है? आपके माध्यम से मेरी मुख्यमंत्री साहब को विनंती है, दीवा पाटिल साहब का नाम इस एयरपोर्ट को देना उचित होगा। लोगों का सोचना यह है, अगर दीवा पाटिल साहब ने हमारे लिए खून दिया है, खून बहाया है, उनका खुद का खून बह चुका है, तो उनका कहना है तो चलो, अगर वो इतना बड़ा आदमी हो के बावजूद भी लोगों के लिए उन्होंने खून बहाया है तो उनके लिए हमें कुछ ना कुछ तो जरूर करना चाहिए। जो आंदोलन हुआ था वो टाइम में जो झंडे थे वो किसी भी पार्टी के झंडे नहीं थे, वो आंदोलन के अलग से झंडे बहाए नहीं गए थे, जो दीवा पाटिल साहब आंदोलन में यूज करते थे वो टाइप का वो झंडा था, जिसको रक्त रंजित झंडा कहते हैं हम, वो झंडा था। अगर उनका नाम नहीं लगता है तो बहुत से लोग ऐसा भी करते कि हम भी खून बहाने को तैयार है, हालांकि मैं चाहता हूं कि ऐसा कुछ न हुए, ऐसा कोई रक्त रंजित क्रांति जैसे कहते हैं रक्त रंजित आंदोलन न हुए, लेकिन अगर गवर्नमेंट इसमें से कुछ सीखती नहीं है तो मैं मेरी तरफ से नहीं कह रहा हूं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ऐसे ही आगे होगा अगर ये नाम नहीं लगता है, तो मेरी गवर्नमेंट से आपके माध्यम से विनंती है कि ऐसी कुछ परिस्थिति यहाँ नहीं आने दीजिए, जल्दी से जल्दी आप दीवा पाटिल साहब का नाम ये एयरपोर्ट के लगेगा ऐसे जाहिर कर दीजिए। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।